दोस्तों, पीएम किसान योजना के अगर आप लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन आया हुआ है। कई किसान भाइयों को 13वीं किस्त नहीं मिली है और कई किसानों का ऐसा भी है कि लैंड सीडिंग नो है जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिला है। कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी EKYC कंप्लीट नहीं हुई है। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो आज मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ जो कि कृषि विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जिन किसान भाइयों का लैंड सीडिंग नो है और KYC नहीं है या फिर कोई भी कारण से पैसा नहीं आया है, तो उनको क्या करना है उसकी पूरी जानकारी उस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो जिन किसानों का लैंड सीडिंग नो है, KYC नहीं है या फिर PFMS रिस्पॉन्ड डेट यानी कि NPCI या DBT लिंक नहीं है, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसको क्या करना है तब उसको पैसा मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ और आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में। क्या नोटिफिकेशन आया है उसके लिए कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहां पर दिखाते हैं आपको कि क्या अपडेट आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, मैंने कृषि विभाग की वेबसाइट ओपन कर ली है। यहां पर सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशन दिया गया है। आवश्यक सूचना, सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा PM किसान योजना के अंतर्गत लाभुक के आवेदन में जमीन विवरण के साथ साथ दाखिल खारिज की तिथि यानी म्यूटेशन डेट को भी अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त परिस्थिति में PM किसान पोर्टल पर जिन लाभार्थियों का बेनिफिशरी स्टेटस में लैंड सीडिंग नो प्रदर्शित हो रहा है, उनके आवेदन में दाखिल खारिज की तिथि की प्रविष्टि है तो आवेदन पुनः अंचलाधिकारी को वापस भेज दिया गया है। कृपया अंचलाधिकारी से संपर्क कर अपने आवेदन में जमीन का म्यूटेशन डेट अविलंब अंकित करा लें। यानी कि जो दाखिल खारिज की तारीख होती है आपके खतौनी में जो पड़ी होती है, वो PM किसान के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में ऐड करवाना ज़रूरी है। वो डेट पहले रजिस्ट्रेशन होता था तो इस डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नहीं डाली जाती थी, किंतु अब अनिवार्य हो गया है। तो इसलिए वो फॉर्म जो हैं रजिस्ट्रेशन के, वो वापस आ रहे हैं अंचलाधिकारी, यानी कि जो आपके लोकल क्षेत्र के अधिकारी होते हैं जैसे लेखपाल हो गया या फिर कृषि विभाग हो गया, तो वहाँ पर वो फॉर्म वापस आ रहे हैं म्यूटेशन डेट डालने के लिए। तो आपको अपने अधिकारी से मिलकर यानी लेखपाल या फिर कृषि विभाग में जाकर म्यूटेशन डेट को डलवा लेना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये काम आपको जल्दी से जल्दी करवा लेना है। और उसके बाद नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जिन किसान का बैंक खाता आधार एवं NPCI से नहीं जुड़ा है यानी कि DBT इनेबल नहीं है, वैसे किसान तुरंत पोस्ट ऑफिस जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में DBT इनेबल बैंक खाता खुलवाएं। यानी कि अगर आपके आधार से DBT लिंक नहीं है तो आप या तो अपना जिस बैंक में खाता है वहाँ पर NPCI लिंक करवा लें, और वहाँ पर अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाएंगे तो वहाँ पे तुरंत इनेबल करके खाता खोला जाता है, तो वहाँ पर आप खुलवा लेंगे तो फिर ये चीज़ आपकी सही हो जाएगी। जैसे कि PFMS जो इनेबल नहीं है, डिसेबल है, रिस्पॉन्स डेट नहीं आ रहा है बहुत से किसानों का, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, NPCI लिंक हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद देख सकते हैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नीचे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभुकों को EKYC करवाना अनिवार्य है, अन्यथा योजना के लाभ से वंचित कर दिए जाएंगे। EKYC लाभुक स्वयं PM किसान पोर्टल से अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी CSC वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से EKYC कर सकते हैं। तो आपको EKYC भी अनिवार्य रूप से करवा लेना है जल्दी से जल्दी, अगर आपका नहीं है वरना पैसा नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको अपने रजिस्ट्रेशन में म्यूटेशन डेट डलवा लेना है, अपने आधार में NPCI लिंक करवा लेना है बैंक से, और EKYC अनिवार्य रूप से करवा लेना है। ये सारे काम आप जल्दी से जल्दी करवा लें और उसके बाद फिर हो सकता है आपका रुका हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और आगे आने वाली किस्त भी आपको समय से मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा अगर इससे जुड़ी हुई और कोई जानकारी चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।